बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, अस्सलाम वालेकुम या अली अलैहिस्सलाम मदद। मैं आप तमाम मोमिनीन के साथ जाफरी फैज़ान, और आज जो है 2 जुलाई की रात है, मंगल का दिन गुजरा है। करबला में मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। बरोज़ हफ्ता इंशाअल्लाह यहाँ पर परचम कुशाई की जाएगी, और इस टाइम जो है हरम में काले परचम लगाने का काम जो है ये कर रहे हैं। दीवारों पर आप देख रहे होंगे काफ़ी सारे लग चुके हैं, और इस साइड पर जो है ये लगाए जा रहे हैं। और दुआ करता हूँ आप सबके लिए, इस दुनिया से जहाँ कहीं से भी आ रहे हैं, ख़ास तौर पर वो तमाम मोमिनीन जो के अपने घरों से निकल चुके हैं बाय रोड, मेरा मौला उन सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में लेकर आए, और मेरा मौला उन सबको कोई गम ना होने दे सिवाय गम हुसैन के। और इस पूरे सफ़र में मौला का जिक्र और पुरसा करते हुए मौला उन सबको करबला तक पहुँचाया करो वापस से। और जो मोमिनीन अभी इंतज़ार में जिन्होंने निकलना है, जिनकी फ़्लाइट्स हैं 2-3 मुहर्रम से, और कुछ मोमिनीन जो है उससे पहले भी निकलेंगे, जिन्होंने यहाँ पर परचम कुशाई भी करनी है, इंशाल्लाह मेरी आप सबके लिए दुआ है कि मौला आप सबको खैर वापस से ज़मीन करबला पर पहुँचाए, और आप तमाम मोमिनीन मौला के दर पर आएँ, और ज़मीन करबला बैन हरमैन मौला के हरम में, मौला अब्बास के हरम में, हर एक मकाम पर पुरसा मातमदारी कर सकें। ये सारा चैन मुबारक है, और ये सामने का चैन मुबारक है जहाँ पर आप में से हज़ारों मोमिनीन मुहर्रम अरबईन की आज़ादारी करते रहे हैं, और वो उस तरफ दूसरा चैन मुबारक है। तो इंशाल्लाह इस साल भी आप में से लाखों मोमिनीन इस ज़मीन करबला पर होंगे, और मौला को पुरसा इस ज़मीन करबला पर दे सकेंगे। ये जितने भी मनाजिर मैं देखता हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, इंशाल्लाह इस दुनिया में बसने वाले तमाम मोमिनीन को अपनी आंखों से देखना नसीब हो। जो जो भी मोमिनीन आए हैं, हर साल आए हैं, जो हर साल देखते हैं ये, मेरा मौला इस साल भी सबको आना नसीब कर फैमिली समेत। और जो मोमिनीन किसी न किसी वजह से रह जाते हैं, जो अब तक ना आ सके, मेरा मौला सबकी गायबाना मदद अता फरमाए, और सबको इस साल ज़मीन करबला समेत तमाम मुकद्दस मकामात का सवार बनाए। ये सारे खूबसूरत मंजर हरम मौला इमाम हुसैन के अंदर के हैं, और परचम कुशाई से पहले ये सारे बैनर्स लग चुके होंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर लाखों का मजमा होगा जिस दिन परचम कुशाई है, तो उससे पहले पहले ये इन्होंने काम ख़त्म करना है, क्योंकि अब एक दिन बाद शब जुम्मा भी है। शब जुम्मा बहुत ज़्यादा रश का टाइम होता है, इस वजह से ये लोग शब जुम्मा से पहले पहले ये सारे काम कर चुके होंगे अपने। तो दुआ कीजिए, अपना नाम लीजिए, अपने वालदैन बहन भाई बच्चों का नाम लीजिए, और मैं भी आप सबके लिए दुआ गो हूँ कि इस दुनिया से जहाँ कहीं से भी आप देख रहे हैं सुन रहे हैं, मेरा मौला हुसैन आप सबका सलाम अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए, और कोई गम ना होने दे सिवाय गम हुसैन के। अपना नाम लेकर सलाम पेश कीजिए, अपने वालदैन बहन भाई बच्चों का नाम लेकर सलाम पेश कीजिए। दुआ करते रहिएगा, ये मनाजिर हरम मौला इमाम हुसैन के, इस दुनिया में बसने वाले तमाम मोमिनीन को मेरा मौला अपनी आंखों से देखना इस साल मुहर्रम में नसीब करे, कि आप मौला के रूबरू खड़े होकर मौला को पुरसा दे सकें। इस साल आप सबको मेरा मौला इस ज़मीन करबला का सवार बनाए। ये ज़री मुबारक है मौला इमाम हुसैन, कब्र मुबारक, इससे आगे जनाब हनीफ इब्ने मज़ाहिर हैं, और उससे आगे मक्तलगाह इमाम हुसैन है। इस टाइम आयाम अज़ा के इस्तकबाल के लिए यहाँ पर जो हैं मजालिस हो रही हैं, ये जनाब हबीब इब्ने मज़ाहिर और ये मक्तलगाह इमाम हुसैन। इस टाइम भी मोमिनीन जो हैं मजलिस अज़ा में बैठे हैं, आयाम अज़ा के इस्तकबाल में बहुत सारी मजालिस हो रही हैं ज़मीन करबला पर, मुख्तलिफ़ मौक़िफ़ में, मुख्तलिफ़ साइड हरम में, और बैन अरमैन मौला पास। और इंशाअल्लाह मेरी भी दुआ है आप सबको मेरा मौला इस साल ये नसीब करे। ये सारा मंज़र देखिएगा आप, ये सारे परचम लगा चुके हैं, ये मक्तलगाह इमाम हुसैन है दूसरी साइड से, पीछे की तरफ लेडीज साइड है पूरी सैन मुबारक। तो मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह आप सबके साथ शेयर करता रहूँगा वीडियोस मुख्तलिफ। तब तक के लिए इजाज़त, अस्सलामु अलैकुम या अली अलैहिस्सलाम मदद।